हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जब खाना हो कुछ मज़ेदार और हाथ में समय कम हो, तब आप आज का डिश ज़रूर ट्राई कीजिए। आज हम बनाने वाले हैं 10 मिनट में बनने वाली हमारी वेजिटेबल पनीर पुलाव। तो उसके लिए हम ले लेंगे 1.5 कप बासमती राइस। हमने इस कप से 1.5 कप ले लिया है। इसको हमने अच्छे से धो लिया है और अभी हम इसमें पानी मिला देंगे और इसको 1/2 आवर के लिए सोक करने रख देंगे। और हमने लिया है पनीर, यहाँ पे 250 ग्राम पनीर है जिसको हमने क्यूब्स में काट लिया है। एक बड़े गाजर को छील के धो के हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। एक बड़ा आलू, इसको भी हमने छील के धो के काट लिया है। एक कैप्सिकम, 8-10 हरी मिर्च, थोड़ा मटर, 2 टेबलस्पून दही जिसको हमने फेंट लिया है, 2 तेज पत्ता, 1 टीस्पून चीनी और नमक स्वाद अनुसार, घी 2 टेबलस्पून, होममेड पुलाव मसाला, हमें आज पुलाव 10 मिनट में बनानी है तो हम उसे प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर गर्म करके उसमें घी डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे, हरी मिर्ची को बीच में हमने स्प्लिट लगा दिया है उसको डाल देंगे, गाजर डाल देंगे, आलू और तेज आंच पे इसको भून लेंगे। गाजर आलू को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है हाई फ्लेम में। अभी इसमें चीनी मिला देंगे और हमारा पिसा हुआ मसाला ऐड कर देंगे। दही मिला देंगे, नमक मिला देंगे, मटर मिला देंगे। हमने यहाँ फ्रोजन मटर लिया था इसीलिए अभी ऐड कर रहे हैं। अगर आप फ्रेश पीस लेते हैं तो गाजर और आलू के साथ ऐड कीजिए। कैप्सिकम मिला देंगे, चावल मिला देंगे, चावल को भूनते हुए हमें 2 मिनट हो गया है। अभी हम इसमें गरम पानी मिला देंगे, हमने यहाँ पे 2.25 कप इस कप के मेजरमेंट से गरम पानी ले लिया है। याद रखिए, जब हम चावल प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो 1 कप चावल के लिए 1.5 कप पानी लगता है। अभी अंत में इसमें पनीर मिला देंगे, और हल्के हाथों से एक बार चला देंगे। अभी लिड लगा के इसको 2 सीटी तक पका लेंगे। 2 सीटी के बाद हमने स्टीम को नेचुरली बाहर निकलने दिया था। तो आइए देख लेते हैं हमारा पुलाव कैसा बना है। तो आइए इसे सर्व कर देते हैं।